अगर अभी तक आपने सोलापुर नामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। उस्मानाबाद जिले के नलदुर्ग शहर में प्रसिद्ध किला जिसे नरमादी धबधबे के नाम से जाना जाता है, जो बारिश के दिनों में शुरू होता है। नलदुर्ग में बारिश की वजह से किले का नरमादी धबधबा शुरू हुआ है। आज नलदुर्ग शहर में सोलापुर नामा 24 की टीम ने नलदुर्ग किले की रिपोर्टिंग की है। देखिए नलदुर्ग शहर से हमारे संवाददाता शोएब कजी और अजीत चौहान की एक रिपोर्ट। आज हमारे साथ नलदुर्ग का किला देखने के लिए पर्यटन आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं दिल्ली से आया हूँ। आपको नलदुर्ग के किले के बारे में कैसा पता चला? जी मैं इंटरनेट पर देखा था, यहाँ का किला बहुत मशहूर था नलदुर्ग का, इसी बहाने इधर घूमने फिरने के लिए आए थे। इधर बहुत अच्छे नज़ारे हैं, एक सफ़ेद है एक पीला कलर का झरना है, इसे नरमादी के नाम से जानते हैं लोग बाग इधर। तो इधर बहुत अच्छा लगा इधर घूम के आने को। इधर दो चीज़ और है उधर घूमने के लिए, रिसोर्ट और खंडाला वगैरह हैं। इधर बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें हैं घूमने के लिए। इधर आप देखोगे तो उधर सफ़ेद और उधर बहुत अच्छा नज़ारा है, उधर पार्किंग भी है और अच्छा एकदम फर्स्ट क्लास। आज अपने सोबत नलदुर्ग किला बघायला मुरुमचे काही युवक इथं आलेले आहेत। काय नाव सर तुमचं? म्हणलं आकाश। मग इथं नलदुर्गला कसं काय येणार किल्ला बघायला? असंच लॉकडाऊनमुळे खूप दिवस झालं कुठं फिरायला भेटलं नव्हतं, म्हणून म्हणलं फिरून यावं नलदुर्ग किल्ला, त्यासाठी मित्रमंडळी घेऊन आलेलो तिकडे फिरायला। आणि तुमचं सर? वासुदेव काशीनाथ। आणि कसं वाटलं नलदुर्गचा किल्ला? आत्ता तर आलो, आता स्टार्टिंग चालू केलं, बढिया चांगला आहे सीन। सीन एकदम कडक आहे, काय नाही बढिया आहे। आता तेव्हाच ते नवापाशी पण गेलतो, तरी पण एवढं कुठंच बघितलं नाही, पण एक नंबर आहे असं मला तर वाटतंय। यहाँ पर नलदुर्ग के किले में गोल्फ कार्ट भी, कार जो पर्यटन को लाने के लिए भी है। यहाँ पर यात्रियों से बात करते हैं, कैसा लग रहा है आपको गोल्फ कार्ट? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हमारी पूरी फैमिली यहाँ पर बहुत इंजॉय की है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत बड़े 127 एकड़ में फैला हुआ है ये फोर्ट, तो एक दिन में जितना भी हो सकता है हम लोग इंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा फील हो रहा है। खूब छान नर्मदी, खूब छान वाटलं तिथे। मला असं वाटतं की असं कुठं बघितलं नाही, नर्मदी जे चालू असते किल्ल्याचं हे म्हणजे पावसाळ्या दिवसातच नर्मदी चालू असते। खूप छान वाटलं आम्हाला, फिरायला आलो मी, मस्त वाटलं।